मध्य प्रदेश में भारी बारिश के कारण कई इलाकों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। बांध, नदी नाले उफान पर हैं। बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। सरकार ने जगह जगह राहत और बचाव के काम शुरू कर दिए हैं। सरकार ने आपदा प्रबंधन की टीमों को सक्रिय कर अलर्ट घोषित कर दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोगों से कहा है, घबराने की जरूरत नहीं है, सरकार हर हाल में लोगों की मदद के लिए तत्पर है। कोरोना संक्रमण से जूझ रहा मध्य प्रदेश अब अतिवृष्टि के संकट से जूझ रहा है। भारी वर्षा के कारण प्रदेश के बड़े हिस्से, विशेषकर जबलपुर, भोपाल और होशंगाबाद संभाग के कई गांव और शहरों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। नर्मदा और उनकी सहायक नदियां इस समय उफान पर हैं। बांधों में पानी लबालब हो गया है। इस कारण बांधों से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। इस कारण भी नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। होशंगाबाद में नर्मदा सुबह ही 973 के उच्चतम स्तर को पार कर चुकी थी। होशंगाबाद में नर्मदा खतरे का निशान 964 पर है। इस बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपना दौरा निरस्त कर उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने कहा, अभी 48 घंटे भारी वर्षा की संभावना है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको सावधान करने के लिए कह रहा हूं, इस घड़ी में आप बिल्कुल चिंतित ना हो। जहां जहां जरूरी वहां राहत के, सुरक्षा के, बचाव के सभी आवश्यक काम किए जाएंगे। हमारी SDRF की टीमें सक्रिय हैं। जहां जरूरत है वहां NDRF भेज रहे हैं। सेना और एयरफोर्स को हमने सतर्क किया है। आज भी छिंदवाड़ा के चौराई में बेलखेड़ा में फंसे मधु को एयरलिफ्ट करके निकाला गया है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों और बेटे और बेटियों, कोरोना संकट के बीच एक और संकट आया है, अतिवृष्टि का संकट। भारी वर्षा के कारण हमारे प्रदेश के एक बड़े हिस्से में, विशेषकर जबलपुर संभाग, होशंगाबाद संभाग, भोपाल संभाग के कई गांव और शहरों में बाढ़ जैसी स्थितियां निर्मित हो रही है। मां नर्मदा जी और उनकी सहायक नदियां इस समय उफान पर है। बांधों से चूंकि लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, बरगी, बारना, तवा, ओंकारेश्वर, इंदिरा सागर, इसके कारण भी जल स्तर तेजी से बढ़ा है। होशंगाबाद में तो नर्मदा जी 10 बजे तक ही 973 जो उच्चतम स्तर था उसको क्रॉस कर चुकी हैं। खतरे का निशान 964 पर है। और अभी 48 घंटे भारी वर्षा की आशंका है, संभावना है, लेकिन घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। मैं आपको सावधान करने के लिए कह रहा हूं, इस घड़ी में आप बिल्कुल चिंतित ना हो, विचलित ना हो। जहां जहां जरूरी है वहां राहत के, सुरक्षा के, बचाव के सारे काम किए जाएंगे। हमारी SDRF की टीमें सक्रिय है। जहां जरूरत है वहां NDRF भेज रहे हैं। सेना को हमने सतर्क किया है। एयरफोर्स व हमारी थल सेना हो, आज भी छिंदवाड़ा के चौराही में बेलखेड़ा में फंसे मधु कुमार को, मधु कहार को एयरलिफ्ट करके निकाला गया है। होशंगाबाद, बरेली, शाहगंज में अभी तक 16 गांव ऐसे हैं जहां बाढ़ का पानी घुसने की स्थिति है। यहां के लोगों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐसे ग्रामों में रहने वाले बहन भाइयों से तत्काल निचले स्थान छोड़ देने की अपील की है। शासन ने गांव शहरों में भी हाई अलर्ट घोषित किया है।
जिलों की आपदा प्रबंधन टीमें लगातार सक्रिय हैं। ऐसे में जिलों के और राज्यों के आपदा प्रबंधन के कंट्रोल रूम 2400 घंटे काम कर रहे हैं। कुछ जगह निचली बस्तियों में पानी भर रहा है, होशंगाबाद, बरेली, साहेगंज, अभी तक 16 गांव ऐसे हैं जहां बाढ़ का पानी घुसने की स्थिति है। ऐसे बहन और भाई चिंतित ना हो, उनको सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया जा रहा है। और ऐसे इलाकों में रहने वाले बहनों और भाइयों से, ऐसे गांव हो शहरों, मेरी अपील है कि बिना किसी जिद के तत्काल हमको निचले स्थान छोड़ देना चाहिए। और प्रशासन जहां सुरक्षित स्थान पर हमें ले जा रहा है, वहां तत्काल हमको जाना चाहिए। भोजन, पीने का पानी, दवाई, सबका इंतजाम किया जाएगा। कोरोना के संकट को देखते हुए भी आवश्यक व्यवस्थाएं बनाई जाएगी। प्रशासन सचेत कर रहा है गांव में, शहरों में भी हाई अलर्ट घोषित किया गया है, लेकिन सुरक्षा के पूरे इंतजाम है। जिलों की आपदा प्रबंधन टीमें लगातार सक्रिय है। जिलों के और राज्य स्तर के कंट्रोल रूम 2400 घंटे काम कर रहे हैं। वर्षा और बाढ़ से संबंधित किसी भी प्रकार की कठिनाई होने पर तत्काल इसकी सूचना कंट्रोल रूम को दें। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।